कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश से चुनावी समर्थन जुटाने के लिए आज लखनऊ दौरे पर है। मुर्मू यहां बीजेपी के साथ ही सहयोगी दलों के विधायकों और सांसदों से भी मिलेंगी। इसके अलावा गैर भाजपाई दलों से भी समर्थन मांगेंगी। वहीं द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई है। राज्य मंत्री असीम अरुण लखनऊ एयरपोर्ट द्रौपदी मुर्मू को रिसीव करने उनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं और साथ ही कई प्रदेशों के कलाकार भी लखनऊ एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से कई कलाकार वहां पे द्रौपदी मुर्मू के लिए नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ 4:10 पर द्रौपदी मुर्मू के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है लखनऊ एयरपोर्ट। और उनके स्वागत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक भी पहुंच चुके हैं उनके स्वागत के लिए। और इस खबर पे हमारे साथ बातचीत के लिए लखनऊ से संवाददाता विभांशु और सागर थापा जुड़ चुके हैं। विभांशु, जिस तरह से आज द्रौपदी मुर्मू लखनऊ आ रही है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सारी तैयारियां की गई हैं, लेकिन बात करी जाए एयरपोर्ट के बाद उनके जाने की, तो सबसे पहले वो सीएम आवास जाएंगी, तो क्या कुछ तैयारियां सीएम आवास पे देखने को मिल रही है? जी शिखा, आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान होना है, जिसमें तमाम विधायक, सांसद और जो डेलीगेट हैं वो चुनाव में उनको पक्ष में वोट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि कल विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा लखनऊ पहुंचे थे। उन्होंने विपक्ष के जो दल हैं उनसे अपना समर्थन मांगा है और साथ ही साथ कही है ये संविधान बचाने की लड़ाई है और संविधान की रक्षा की पद की लड़ाई है। और आज एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज 4 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगी और महज कुछ ही समय में वो एयरपोर्ट पहुंच जाएंगी। उसके बाद आपको बताएं कि वो मुख्यमंत्री आवास जाएंगी और एयरपोर्ट पहुंचने के समय उनके स्वागत के लिए सूबे के उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे। साथ ही जो भाजपा के घटक दल हैं, सहयोगी दल अपना दल और निषाद पार्टी, तो इनके भी नेता एयरपोर्ट से उनकी अगवानी करेंगे। फिर वह मुख्यमंत्री आवास आएंगी और मुख्यमंत्री आवास की अगर बात करें तो एयरपोर्ट से लेकर और मुख्यमंत्री आवास तक के हर एक रास्ते को साफ किया गया है। साथ ही साथ एयरपोर्ट पर लोक नृत्य की भी वहां व्यवस्था की गई है, जिससे उत्तर प्रदेश की पहचान होती है। वहीं अगर बात करें तो एयरपोर्ट से लेकर अब मुख्यमंत्री आवास तक पूरे पोस्टर, बैनर एवं फूलों से सजाया गया है। वहीं आपको बताएं कि अटकलें लगाई जा रही हैं कि सपा की घटक दल सुभाजपा और बसपा द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर सकते हैं। अभी इसका ऐलान नहीं हुआ है, मगर बात करें तो सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती की तरफ से द्रौपदी मुर्मू का समर्थन का ऐलान कर दिया गया है। जी बिल्कुल सागर, अगर बात करी जाए रूट की, तो द्रौपदी मुर्मू लखनऊ एयरपोर्ट से जब सीएम आवास जाएंगी तो क्या रूट देखने को मिलेगा? क्या आम जनता के लिए रूट डाइवर्ट भी किए गए हैं? मैं यार की 4:10 से 15 में ये लखनऊ एयरपोर्ट, अडानी एयरपोर्ट में इनका विमान उतरेगा। उसके बाद से जो रूट चार्ट है इनका, आलमबाग होते हुए, कैच होते हुए ये सीएम आवास से पहुंचेंगी। और लगभग अगर देखा जाए तो पूरी सिक्योरिटी को पूरी तरह से तैनात कर दिया गया है, इलाके को पूरी तरह से छावनी में बदल दिया गया है। जी, तो रूट की बात करी जाए तो रूट कौन सा देखने को मिलेगा, और जो बीच में रूट पे अगर जनता की बात करी जाए तो क्या उन्हें आने जाने दिया जा रहा है? आगे बिल्कुल, अगर आपको बता दूं कि रूट का जो है, रूट अमौसी एयरपोर्ट से निकलेंगी, उसके बाद आलमबाग होते हुए, कैंट होते हुए, उसके बाद जो कैंट का रास्ता तय करते हुए वीवीआईपी का साउथ होते हुए सीएम आवास जाएंगी। और कुल मिला के अगर मैं आपसे कहूं सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा को लेकर, तो सुरक्षा एकदम चाक चौबंद है। आप एक समझ लीजिए छावनी परिषद को बना, खबर छावनी बना दिया गया है पूरे इलाके को। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पब्लिक को इनसे बीच में मिलने की कोई भी परमिशन नहीं होगी। जो भी कार्यक्रम रखे गए हैं वो एयरपोर्ट पे रखे गए हैं और जो भी कलाकार हैं वो एयरपोर्ट पे ही इनके स्वागत में आएंगे और लोग मिलेंगे। और साथ ही तमाम जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, बृजेश पाठक हो गए,
डिप्टी सीएम हो गए, तमाम ये लोग बड़े लोग उनका अगवानी करेंगे। जी जी विभांशु, सीएम आवास पे क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? क्या वहां पे भी कलाकारों का जत्था है? वहां पे भी क्या कुछ अलग तरह की तैयारी देखने को मिल रही है द्रौपदी मुर्मू के आगमन पर? जी शिखा, आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू यानी कि राष्ट्रपति उम्मीदवार जो कि एनडीए की तरफ से हैं, उनके स्वागत के लिए पूरे इवेंट की तरह से पूरा व्यवस्था किया गया है। और अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने पोस्टरों से पटे गए हैं, साथ ही साथ फूल पत्तियों को भी वहां लगाया गया है। और लोक संगीत की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के जो प्रवेश द्वार होता है उसके ठीक बाहर लोक संगीत का भी व्यवस्था किया गया है। जब द्रौपदी मुर्मू आएंगी तो उत्तर प्रदेश की जो पहचान है और जो लोक संगीत है उसके द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। और वहीं आपको बताएं कि अभी अगर इस वक्त बात करें तो द्रौपदी मुर्मू कुछ ही समय में लखनऊ एयरपोर्ट पर उनका विमान लैंड करेगा, उससे ठीक पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम और राज्य मंत्री असीम अरुण अभी इस वक्त एयरपोर्ट पे मौजूद है, साथ ही कई मंत्रिमंडल के लोग भी मौजूद हैं, घटक दल के भी लोग मौजूद हैं। और बात की जाए तो पूरे शहर को सजाया गया है। और आपको बताएं कि द्रौपदी मुर्मू सीधे जब मुख्यमंत्री आवास आएंगी और यहाँ से पूरे अगर बात करें तो लोक भवन में 6 बजे वो तमाम सहयोगी दलों के साथ जो बैठक करेंगी और अपना समर्थन मांगेगी, इसके लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। हर एक सड़कों को साफ किया जाएगा जो मुख्यमंत्री आवास से लेकर और लोक भवन को जोड़ता है, इन सभी सड़कों को साफ करके और जब मुख्यमंत्री मुर्मू माफ करिएगा राष्ट्रपति उम्मीदवार मुर्मू की जब काफिला निकलेगा तो उस वक्त रूट को रोका जाएगा और सीधे वो लोक भवन 6 बजे जाएंगे। जी जी सागर, लोक भवन में क्या कुछ खास तैयारियां देखने को मिल रही हैं? क्योंकि वहां पे कई सांसद और विधायक से मुलाकात करने वाली हैं आज मुर्मू, तो क्या वहां पे भी कोई खास तैयारी है और कितने बजे पहुंचने की संभावना है द्रौपदी मुर्मू की लोक भवन? देखिए कुल मिलाकर आपको बता दूं कि आज लोक भवन में काफी देर तक उस कार्यालय में जो है बीजेपी कार्यालय में काफी देर तक बैठक चली है बीजेपी की कार्यकारिणी सदस्य की। उसके बाद आपको बता दूं कि लोक भवन को एकदम भव्य तरीके से सजाया गया है। हर रूट पे जितने भी रूट चार्ट हैं द्रौपदी मुर्मू के हर जगह वहाँ पे पोस्टर बैनर लगा दिए गए हैं ताकि लोगों को पता चले कि एनडीए के उम्मीदवार आ रही है। हालांकि इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है कि एनडीए के उम्मीदवार है, लेकिन कहना कि लोक भवन को काफी भव्य तरीके से सजाया गया है। शाम को 6 बजे यहाँ पर आएंगी, उसके बाद से उनका जो मंत्री है सांसद है विधायक से मिलना तय है, उसके बाद कार्यक्रम होगा सीएम आवास में। जी विपक्ष के भी कई ऐसे नेता हैं जो कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे रहे हैं सागर, बसपा सुप्रीमो ने भी अपना समर्थन दिया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हम एनडीए को नहीं द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दे रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? हेलो जी, आपको बता दूं कि कुल मिला के देखा जाए तो एक भाजपा ने पहला दाव खेला है कि 80-80 वर्ग को उतारा है एनडीए के उम्मीदवार राष्ट्रपति उम्मीदवार के बल रूप में। उसके साथ ही मायावती ने भी अपना पूरी तरह से समर्थन दिया है। कहीं ना कहीं देखिए अगर बात करूं मैं दलित कार्ड की तो कहीं ना कहीं जो द्रौपदी मुर्मू है वो आदिवासी इलाके से आती है, आदिवासी उनकी है, लेकिन उसके बावजूद वो मायावती ने भी इनको समर्थन किया है। कहीं ना कहीं अगर बात करूं अखिलेश यादव की तो अखिलेश यादव ने समर्थन इन्हें करने से पूरी तरह से मना कर दिया है, वो यशवंत सिन्हा को समर्थन करेंगे। जी जी विभांशु, जो बीजेपी के संगठन के दल है वो भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहे हैं, हालांकि समर्थन जुटाने ही वो आ रही है। अगर गठबंधन दलों की बात करें विपक्ष के तो उनकी तरफ से कौन कौन से ऐसे प्रमुख चेहरे जो कि द्रौपदी मुर्मू को अपने समर्थन दे सकते हैं? जी अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के घटक दल यानी कि सुभसपा और उसके प्रसपा, ये दोनों पार्टियां द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे सकती हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो जनसत्ता यानी कि राजा भैया की पार्टी भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन की बात कही है, मगर इसका अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। वहीं शिखा आपको बताएं कि जब आज लोक भवन में बैठक की जाएगी समर्थन मांगने के बाद राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू कुछ अति विशिष्ट जो नेता है उत्तर प्रदेश के, साथ ही साथ जो एनडीए के तमाम मंत्री हैं, इन सभी लोगों के साथ रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया है। अब देखने वाली बात यह होती है कि उस भोज में कौन पहुंचता है और एनडीए की उम्मीदवार के आने के बाद जो 3 पार्टियों की बात की जा रही है जिनके समर्थन की अभी अटकलें लगाई जा रही हैं, आशंकाएं लगाई जा रही हैं, वो आज मान सकते हैं कि देर रात तक वो उस अटकलों पे विराम लग सकता है और इस साफ हो सकता है कि वो किसके तरफ समर्थन करेगी। जी लेकिन अगर प्रमुखता से बात करें तो प्रसपा और जनसत्ता और आपके
सुभाषपा पार्टी ने समर्थन की बात कही है, मगर ये साफ नहीं हो पाया है। जी चिका जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों ही संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ विभांशु मणि त्रिपाठी और सागर थापा जुड़े थे लखनऊ से संवाददाता। तो कुछ ही देर में राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पहुंचने वाली है एयरपोर्ट। हालांकि ये संभावना जताई गई थी कि 4:10 तक पहुंच सकती हैं और उनके स्वागत के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ समेत दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, लेकिन अभी तक उनके पहुंचने की खबर नहीं मिली है। रुक करते अगली खबर की तरफ। एक हफ्ते के विवाद और 3 दिन तक चले हंगामे के बाद शुक्रवार से सेंटिनियल हायर सेकेंडरी स्कूल फिर से अपने पुराने भवन में शुरू हो गया है। हालांकि शुक्रवार को भी ये इतना आसान नहीं था। जब शिक्षक और कुछ छात्र सुबह स्कूल पहुंचे तो गेट पर मौजूद कर्मचारियों ने उन्हें रोका। ये कर्मचारी स्कूल के भवन में चल रहे निजी स्कूल के थे। इस दौरान प्रशासन और पुलिस फोर्स मौजूद नहीं थी, जिसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार पांडे और बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह पहुंचे। इन्होंने शिक्षकों और बच्चों को स्कूल के अंदर प्रवेश दिलवाया, साथ ही डीएम ने स्कूल पर एफआईआर करने के आदेश दिए हैं और प्राइवेट स्कूल की मान्यता रद्द होगी। इसमें कुछ विवाद है मैनेजमेंट के संबंध में, उसके संबंध में जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पर पहले एक स्कूल चल रहा था जो 6 से 12 तक था और उसमें 10th तक एडेड था और उसके बाद प्राइवेट था, तो उसकी बिल्डिंग पर कुछ अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेशन हुआ है दूसरों के द्वारा, उसको वैकेट किया जा रहा है। अभी वो टोटली पुराने स्कूल के कब्जे में आएगा और वहाँ जो पुराना स्कूल था जिसकी विधिवत मान्यता है वो संचालित होगा। बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, प्राइवेट स्कूल की मान्यता को रद्द करने की बात कही गई है, पूरी जानकारी चाहेंगे। जी शिखा, आपको बता दें कि लखनऊ के कैसर बाग स्थित 131 साल पुराने स्कूल यानी कि सेंट नियर स्कूल को आपको बताया कि कुछ अवैध तरीके से कब्जे की बात कही गई, जिसके बाद कल वहां के शिक्षकों ने आरोप लगाया कि स्कूल की छुट्टियां जब खत्म होती हैं तो स्कूल में जो अभी बात करें तो कुछ प्राइवेट संस्थानों के द्वारा उस पर कब्जे कर लिए गए, जिसके बाद जो शिक्षक थे और तमाम अध्यापक थे वो स्कूल के बाहर कल जो स्कूल की कक्षाएं संचालित कराई गई, जिसके बाद आपको बताएं कि आज सुबह लखनऊ के डीएम वहां पहुंचकर और साथ ही साथ शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी, चाहे बात की जाए बीएसओ की चाहे बात की जाए डीआईओएस की, ये सभी अधिकारी वहां पहुंचते हैं और स्कूल के जो प्रशासन कब्जे की बात थी उस पर उनकी तरफ से कहा गया कि जो स्कूल पे कब्जा है उसकी जांच की जाए। साथ ही साथ स्कूल प्रशासन को ये निर्देश दिए गए कि कल से आप स्कूल अंदर चलाएं, और वहीं जो स्कूल पे कब्जे की बात कही जा रही थी तो जो जिनके तरफ से कब्जा था उनके सामान को हटाने का भी आदेश दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो स्कूल के मान्यता भी मिल गई थी, तो जिनके द्वारा मान्यता दी गई थी उस पर भी कार्रवाई की बात डीएसओ और डीएम की तरफ से कही गई है, और वहीं जो स्कूल पुराना था उसको फिर से वही संचालित करने के आदेश दिए गए हैं और कल से ये स्कूल संचालित होगा। जी शिखा जी, विभांशु, क्या वहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात नहीं था, क्योंकि जिस तरह से ये आरोप लगाए गए हैं कि छुट्टियों के बाद इस पे कब्जा कर लिया जाता था और पढ़ाई बाधित होती थी बच्चों की, तो क्या वहाँ पे सुरक्षा की कोई व्यवस्था भी नहीं थी? जी अगर बात करें तो ये स्कूल लगभग 131 साल पुराना है और इस स्कूल को ऊपर किसी नए स्कूल का मान्यता दे दिया गया और जो पुराना स्कूल था उसके लिए नए जगह को दिया गया था, जिसमें आपको बताएं कि गुणवत्ता की अगर बात करें तो वो जो प्रधानाचार्य हैं स्कूल के उनकी तरफ से कहना है कि जिस स्कूल से हमें निकाल कर नए स्कूल में भेजा जा रहा है वो टीम सेड है। साथ ही साथ जो वहाँ के पढ़ने वाले छात्र हैं उनको कई सारी दिक्कतें हैं, वहाँ शौचालय एवं तमाम परेशानियों को उन्होंने गिराया था, जिसके बाद आज लखनऊ के डीएम और डीएसओ तमाम जो आला अधिकारियों के साथ पहुंचे और स्कूल प्रशासन की जो जांच का निर्देश दिए। साथ ही साथ जो मान्यता की बात कही गई थी कि स्कूल को नए स्कूल को मान्यता मिली है, तो जिसके तरफ से मान्यता दी गई है उन अधिकारियों पर जाँच बिठाया गया है। वहीं अगर बात करें सिक्योरिटी की तो ये स्कूल में ऐसी कोई सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं की गई थी
और ये एक सरकारी स्कूल था और इसका पूरा जो निगरानी होती है वो शासन के द्वारा की जा रही थी। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर में हमारे साथ संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में मार्च में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी प्रसपा सुभाषपा और महान दल के गठबंधन को मिली हार के बाद हर रोज नेताओं में दूरियां बढ़ती नजर आ रही हैं। महान दल के केशव देव मौर्य द्वारा गठबंधन से बाहर जाने के बाद अब सुभाषपा से सपा के रिश्ते ठीक नहीं दिख रहे हैं और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को गठबंधन के दल के विधायकों की बैठक बुलाई थी जिसमें उन्होंने सुभाषपा प्रमुख को नहीं बुलाया। अब ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी संगठन के साथ बैठक की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। तो आज मऊ में यह बैठक करी गई है। आपको बता दें कि लगातार हमलावर नजर आते हैं सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, जहां हर बार कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं सपा को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाने का, अखिलेश को किस तरह से काम करना है, किस तरह से पार्टी को संगठन को और बेहतर बनाया जा सकता है, इसके लिए लगातार वो तंज भी कसते रहते हैं। तो क्या यही वजह है, क्या हर बार जिस तरह से सपा गठबंधन करती है और हार के बाद गठबंधन टूट जाते हैं, या फिर ये वजह है जो इस बार सुभाषपा से भी गठबंधन टूटने की कगार पे नजर आ रहा है? कई सवाल खड़े हो रहे हैं दोनों ही संगठनों की बैठक से, जहां सपा ने अपने संगठन दलों की बैठक को बुलाया था और उसमें सुभाषपा को नहीं बुलाया, तो वहीं आज सुभाषपा ने बैठक करी है। और क्या इस बैठक के बाद कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है, इसको लेकर भी अटकलें तेज नजर आ रही हैं। तो सुभाषपा प्रमुख ने आज बैठक करी है अपने कई बड़े नेताओं के साथ, विधायकों के साथ आज बैठक कर एक निष्कर्ष पे जरूर पहुंचे होंगे, हालांकि अभी इसका खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए थे कि आजमगढ़ और रामपुर के चुनाव में अगर अखिलेश गए होते तो वहां पे उन्हें जीत जरूर मिलती और हार का ठीकरा कहीं ना कहीं वो अखिलेश के सिर फोड़ते हुए नजर आ रहे थे, और जिस तरह से इससे पहले विधानसभा चुनाव में हार मिली, उन सभी चीजों को देखते हुए लगातार चुनावों के बाद से सुभाषपा प्रमुख सपा पर, अखिलेश पर हमलावर नजर आए हैं और इन हमलों को देखते हुए अखिलेश भी कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। और ये रिकॉर्ड भी रहा है सपा का कि गठबंधन चुनाव होता है तो चुनाव के बाद अगर जीत नहीं मिलती है तो गठबंधन ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं। और वही कुछ दिनों पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने सुभाषपा प्रमुख द्वारा लगाए गए आरोप के जवाब में कहा था कि हमें कोई राजनीति ना सिखाए, हमें पता है कि हमें क्या करना है, और आरोपों को निराधार ठहराया था क्योंकि कुछ समय पहले जिस तरह से ओपी राजभर ने अखिलेश को कहा था कि उन्हें एसी कमरों से निकलने की जरूरत है, जनता के बीच जाने की जरूरत है और कई तरह की बातें भी कह चुके हैं, तो इनको देखते हुए लग रहा है कि ये गठबंधन ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। लेकिन जिस तरह से दोनों की बैठक हुई है, वो सपा ने भी अपने गठबंधन दल की बैठक बुलाई, फिर सुभाषपा ने भी अपने गठबंधन दल की बैठक बुलाई, अब इनमें क्या निष्कर्ष निकल कर आता है ये देखना होगा। सुनेंद्र भारतीय समाज पार्टी के, ये हमारा रूटीन बैठक है, कार्यकर्ताओं का रूटीन बैठक है, हर महीने में हमारे संगठन के क्रियाकलापों की समीक्षा की जाती है, तो उसी समीक्षा के तहत आज पूर्वांचल प्रदेश जो हम लोगों ने अपने संगठन के आधार में बांटा है, पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल और कुंदेल, आज पूर्वांचल प्रदेश की बैठक है जिसमें पिछले बैठक में जो तय किए गए गांव गांव तक बूथ बनाने की कमेटी बनाने की उसी की समीक्षा। सुनील जो भारतीय समाज पार्टी के, ये हमारा रूटीन बैठक है, कार्यकर्ताओं का रूटीन बैठक है, हर महीने में हमारे संगठन के क्रियाकलापों की समीक्षा की जाती है। भाजपा की पूर्वांचल मुख्य कमेटी की आज बैठक करी गई है हिंदी भवन में। इस कमेटी की संगठन समीक्षा बैठक हुई और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपने विधायकों के साथ, अपने नेताओं के साथ आज कई मुद्दों पर चर्चा करी है, साथ ही साथ सुभाषपा और सपा की गठबंधन पर भी अहम चर्चा हुई है। मऊ में आज इस संगठन बैठक का आयोजन किया गया, आने वाले चुनावों को लेकर
तैयारी और संगठन को मजबूत बनाने को लेकर भी चर्चा हुई। तो लगातार सपा और भाजपा एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और ये आरोप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं दोनों को एक दूसरे से शिकायतें हैं और ये शिकायतें, क्या इन शिकायतों का समाधान किया जाता है या फिर गठबंधन खत्म किया जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से राजनीति देखने को मिल रही है और क्या नया गठबंधन बनेगा आने वाले चुनावों में 2024 के चुनावों में, ये वक्त बताएगा। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं परिस्थितियां अनुकूल नजर नहीं आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में मार्च में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी, प्रसपा, सुभाषपा और महान दल के गठबंधन को मिली हार के बाद हर रोज नेताओं में दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। महान दल के केशव देव मौर्य द्वारा गठबंधन से बाहर जाने के बाद अब सुभाषपा से सपा के रिश्ते ठीक नहीं दिख रहे हैं। और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, क्योंकि हार तो मिली विधानसभा चुनाव में लेकिन उसके बाद सपा और सुभाषपा एक दूसरे पर हमलावर नजर आए हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अखिलेश ने कहा था कि हमें कोई ना सिखाए कि किस तरह से राजनीति करनी है, हमें क्या करना है हमें मालूम है। और लगातार अखिलेश के कामों को लेकर सवाल भी उठाते आए हैं सुभाषपा प्रमुख, किस तरह से देखते हैं, क्या ये शिकायतों का समाधान किया जाएगा या गठबंधन खत्म किया जाएगा हमेशा की तरह? जी गौरव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, प्रेम आ रहा है? गौरव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? गौरव, जिस तरह से सपा और सुभाषपा एक दूसरे पे हमलावर नजर आ रहे हैं और सपा का रिकॉर्ड रहा है कि हार के बाद उसके गठबंधन ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाते हैं, और दोनों की तरफ से जो शिकायतें देखने को मिली हैं, कई बार सुभाषपा प्रमुख ने शिकायतें करी हैं और इन शिकायतों का जवाब भी अखिलेश ने दिया जरूर है, तो क्या ये शिकायतों का निवारण किया जाएगा या गठबंधन खत्म होने पर ही इन शिकायतों से दूर बच पाएंगे अखिलेश? देखिए, जब ओमप्रकाश राजभर बीजेपी गठबंधन में थे, कैबिनेट मंत्री थे सरकार में, तब भी वो लगातार बयानबाजी करते रहते थे सरकार को, तमाम तरह से वो आरोप लगाते थे, अगर कोई कमी होती है वो भी जाहिर करते थे, और यही उनका जो पहले भी यानी जो तरीका रहा है इस बार भी है। और अखिलेश यादव को लगातार वो सलाह देते आ रहा है, कहते हैं कि इसमें बैठे काम नहीं चलेगा, आजमगढ़ में चुनाव हुआ था उसमें भी अखिलेश यादव नहीं गए, उसको लेकर भी ओम प्रकाश राजभर ने संजय कहा था। तो यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव को बताते चले आ रहे हैं कि आप धरातल पर उतरिए, आप जाते नहीं है, आप इसी बैठ के राजनीति कर रहे हैं, ट्वीट की राजनीति कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा, हमको जनता के लिए धरातल पर उतरना पड़ेगा। और अभी हाल में अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अखिलेश यादव ने कहा था कि हमें लोगों की सलाह की जरूरत नहीं है। और जिस तरह से कल राष्ट्रीय चुनाव के लिए यशवंत सिन्हा यहाँ पर आए थे और यशवंत सिन्हा का यहाँ पर पूरी गर्मजोशी स्वागत हुआ था, उसके बाद डिनर भी हुआ था, अखिलेश यादव से मिले भी थे, तमाम गठबंधन के नेता भी उनसे मिले थे, पर यहाँ पर जो ओम प्रकाश राजभर उनको नहीं बुलाया गया था, ओम प्रकाश राजभर ने तो बयान भी दिया था उनकी नाराजगी थी कि हमको गठबंधन के नाते हमको बुलाया नहीं गया, हमको कोई जानकारी नहीं दी गई कि यशवंत सिन्हा आने वाले, उनकी अगवानी करनी है, तो ये नाराजगी झलक रही थी। उसको दलते कर उन्होंने ये भी कहा था कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव में हम किसको समर्थन देंगे इसका फैसला पार्टी करेगी, अब हम किसी की बातों में आने वाले नहीं है। इसके अलावा जो ये चर्चा हुई थी उसके बाद ओम प्रकाश राजभर द्वारा मऊ में एक भाजपा की बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। माना जा सकता है कि आगामी चुनाव को देखते हुए उनका क्या पक्ष होगा, वो राष्ट्रीय चुनाव में किसको समर्थन करेंगे और 2024 के चुनाव के लिए वो किसके पक्ष में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि जिस तरह से उनका लगातार अखिलेश यादव पे आरोप प्रत्यारोप है और अखिलेश यादव भी उनको कह रहे हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, किसी की हमें सलाह की जरूरत नहीं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गठबंधन के टूटने की स्वभाव नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे।
रुक करते अगली खबर की तरफ। देवरिया में जिम्मेदारों की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां पात्र व्यक्ति को भी सभी अभी तक ग्रामीण आवास योजना का लाभ नहीं मिला है और 20 साल से झुग्गी झोपड़ी में परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है। वह व्यक्ति का आरोप है कि हम लोग उच्च अधिकारियों और ग्राम प्रधान से कई बार आवास योजना के लिए मौखिक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन हमारी समस्या को विगत कई वर्षों से टाल मटोल करके गुमराह कर दिया जाता है। समस्या यह है जब प्रधान जी की द्वार पर घर रहे, हमार घर ले लिए, ले लिए ना प्रधान जी, सुदामा बाबा प्रधान रहनी, आ प्रधान रहनी हमके कहनी कि हम दुन्ना जमीन दे, आ हमके कुछ ना देहनी, हमनी के बिलाला भल बन जा, केहू सरकार है केहू प्रधान, हमार केहू सहिता नहीं खे। जो पहले जमीन थी वो आपके नाम की थी? नहीं, आबादी बा, आबादी थी। हाँ, वहाँ से हटा दिया गया। हाँ, वहाँ से हटा दो, दो लड़का हमारे जब पैदा भल बलो। हमारे पास जगह जमीन कुछ नहीं है सर। तो क्या अभी तक सरकार के द्वारा आपके आपको कोई सहायता मिली है? अभी नहीं मिली है सर हमको। आवास नहीं, नहीं मिली है। आपके नाम से जमीन थोड़ी भी नहीं है? नहीं, तनिको नहीं है सर। और इस खबर पर हमारे साथ देवरिया से संवाददाता रवि रावत जुड़ चुके हैं। रवि, सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन प्रधान इन पे पलीता लगाते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? इस शिक्षा आपको बता दें कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री हर गरीब को योजनाओं से लाभान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके ही अधिकारी उनके मंशा पे पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। वैसा ही ताजा मामला आपको बता दें कि देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील के एक घरवा कहां है, जहां एक पात्र को अभी तक कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है और उसका आरोप है कि मैंने उच्च अधिकारियों ग्राम प्रधान से विगत कई वर्षों से गुहार लगाया, लेकिन मेरी अभी तक कोई समस्या का हल नहीं किया गया है। और सरकार की ये मंशा पे आप साफ तौर पर देख सकती हैं कि उनके ही अधिकारी पलीता लगाने से नजर आ रहे हैं। जी रवि, मौखिक शिकायत की बात तो उन्होंने करी है, क्या कोई लिखित शिकायत भी दी गई है अधिकारियों को? आपको बता दें कि विगत 20 वर्षों से झुग्गी झोपड़ियों में रहने पर मजबूर है गरीब, और आप देख सकती हैं तस्वीर में कटरे और पटरी के सहारे से अपने जीवन यापन करने पर मजबूर है, और कभी भी हादसा भी हो सकता है, और लगभग 20 साल से झुग्गी झोपड़ी में रहने पर मजबूर है, और ग्राम प्रधान और कुछ अधिकारियों से मौखिक शिकायत भी कर चुका है और कई बार गुहार भी लगा चुका है, लेकिन अभी तक उसकी कोई भी समस्या का हल नहीं किया गया है और उच्च अधिकारी अभी तक कोई संज्ञान में नहीं लिए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता रवि रावत जुड़े थे देवरिया से। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।